ओके तो गाइस ये जो स्मार्ट वॉच है ये काफी कम प्राइस में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। ये बोट स्टॉर्म कॉल है, 1799 में ये स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कॉलिंग दिया गया है और भी अच्छे अच्छे फीचर है, सभी चीज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बॉक्स करने देख लेते क्या क्या है और उसके बाद बिल्ड एंड डिजाइन देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक घड़ी, इसके बाद यहाँ पे एक चार्जिंग केबल जो काफी अच्छे क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ पेपर वर्क में आपको यहाँ पे स्टिकर हो गया, वारंटी कार्ड एंड कैटलॉग वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सभी को साइड में करते हैं, फोकस करते हैं स्मार्ट वॉच पे। फर्स्ट इंप्रेशन गाइस काफी लाइट वेट स्मार्ट वॉच है और दिखने में काफी स्लिम सा लग रहा है और ब्लैक कलर थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और बॉडी का बात करूँ तो यहाँ मेटल फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बटन यहाँ पे दिया गया राइट साइड में और ये ऑब्वियसली फंक्शन बटन है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सेंसर है, चार्जिंग पॉइंट है, माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल जैसा मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में। स्ट्रैप क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो बकल क्वालिटी ये भी काफी अच्छा लग रहा है मैट फिनिश में। और गाइस फर्स्ट इंप्रेशन एंड बिल्ड एंड डिजाइन लिटरली से स्मार्ट वॉच का काफी अच्छा रहा है मेरा। अब आते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। इसमें आपको 1.69 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है जो 70% कलर गैमेट के साथ आता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का क्वालिटी है मैं बोलना चाहूंगा प्राइस के हिसाब से काफी सही यहाँ पे दिया गया है। इंडोर और आउटडोर में आप टाइम देख सकते हो, फुल ब्राइटनेस कर लेना आउटडोर में। आउटडोर में आपको थोड़ा सा शेड लेना पड़ सकता है और टाइम आप देख सकते हो। अगर डायरेक्ट सन आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऐसे तो बहुत सारे चीज के साथ हो जाता है, तो आप थोड़ा शेड ले लेना, आराम से टाइम देख सकते हो। टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, काफी स्मूथ सा आपको फील होगा। एंड इसके बाद जैसे आप ऊपर से नीचे करते हो तो आपको शॉर्टकट कुछ देखने को मिल जाते हैं, जैसे डेट डे टाइम हो गया, वेदर हो गए। एंड इसके बाद यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज भी दिखाता है एंड ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह यहाँ से डायरेक्ट आप ऑन ऑफ कर सकते हो। QR दिया गया है, सेटिंग हो गए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे और भी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे वॉच फेस चेंज करना है, स्क्रीन का टाइम आउट हो गया, रेस्ट टू वेकअप का फीचर हो गया, डाउनलोड ऐप करना है, ये सब आप कर सकते हो। लेफ्ट स्वाइप करोगे तो मैसेज आएगा, राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे स्टॉप वॉच, फाइंड फोन, टाइमर, ये सब का आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे काफी अच्छे लेवल का यहाँ पे आपको UI एक्सपीरियंस होने वाला है। प्राइस ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है बोट ने। अब गाइस आपको स्मार्ट वॉच को और भी कस्टमाइज करना है तो ये भी आप कर सकते हो, आपका स्मार्ट वॉच है तो आप कर सकते हो। आपको जस्ट डाउनलोड करना है बोट वेरेबल और इसके बाद यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे पहले यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट करने के बाद यहाँ कैलोरीज कितना चलते हो ये सब आपको दिखाएगा। इसका एनालिसिस में आओगे तो आपको स्टेप काउंट, कैलोरीज दिखाएगा। थर्ड वाले में आते तो माई एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी किए रहोगे। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें वॉच कनेक्ट है, 10 दिन 18 घंटे यहाँ पे 86% रिमेनिंग पे दिखा रहा है। बी रोल में हो सकता है ये आपको कुछ और दिखे। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टेड है। वॉच फेस में आते हैं, वॉच फेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के यहाँ वॉच फेस लगा सकते हैं। क्लाउड वॉच फेस दिया गया है, कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं जो हमेशा हमारा फेवरेट होता है, लगा सकते हैं जो काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग है तो इसे ऑन कर लेना, कॉन्टैक्ट सिंक कर लेना, 10 कॉन्टैक्ट इसमें आप कर सकते हो। तो फेवरेट जो होंगे आपके आपके फ़ोन में नंबर, उसे आप यहाँ पे लगा लेना बात करने के लिए, डायरेक्ट इससे भी बात होती है, उसके ऊपर भी हम आएंगे डायरेक्ट। ओके इसके बाद यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन, अलार्म है, फाइंड फोन का ऑप्शन है, कैमरा सेटिंग, डिसकनेक्ट आप कर सकते हो। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपका अपना अकाउंट सेटअप रहेगा। तो ऐप UI में बोलना चाहूँगा काफ़ी सिंपल है और अच्छा आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। ओके अब गाइस आते हैं इसके फीचर के ऊपर जो काफ़ी अच्छा है। जैसे 1799 में ब्लूटूथ कॉलिंग दे रहा है तो चलो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर का यूज करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। माइक भी देखेंगे और स्पीकर कितना अच्छा काम करता है। ओके तो गाइस यहाँ पे जो कॉल का फंक्शन है, यहाँ पे आप डायल पैड आपको मिलता है बड़ा सा, कॉल लॉक का ऑप्शन है, इसके बाद कॉन्टैक्ट जो आप सेव किए रहोगे वो है, और इसके बाद एक टोगल बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी टच स्क्रीन है, जस्ट उसे टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कॉल लगाते हैं तो गाइस यहाँ पे कॉल अभी कनेक्टिंग हो रहा है। ओके हेलो हेलो ये सब कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया भाई, तुम बताओ? मेरा भी अच्छा चल रहा है। अभी जस्ट मैं एक स्मार्ट वॉच से कॉल कर रहा हूँ, बताओ आवाज़ कैसा आ रहा है? आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आ रहा है। थैंक यू सो मच, तुम्हारा भी आवाज़ काफ़ी अच्छा आ रहा है। अभी मैं एक स्मार्ट वॉच से कॉल कर रहा हूँ और तुम्हें ऐसा लग रहा है स्मार्ट वॉच से कॉल हो रहा है या फ़ोन से हो रहा है, ऐसा कुछ अंतर लग रहा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके थैंक यू सो मच। अब गाइस इसके अलावा इसमें आपको और भी फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे म्यूजिक कंट्रोल एंड इसके बाद कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, तो कैमरा एज ए शटर बटन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ म्यूजिक कंट्रोल दिया गया जो अपने आप में काफी अच्छा फीचर है। चलो सॉन्ग बजाते हैं एंड आनंद लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का म्यूजिक इसका होने वाला है, सुन लो एक बार। Yeah,
तो गाइस यहाँ से आप म्यूजिक को नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, वॉल्यूम को रेज कर सकते हो, कम कर सकते हो और प्ले पॉज कर सकते हो, तो काफी अच्छा है। और इसके बाद आपको कुछ बेसिक सा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे टाइमर, फाइंड माय फोन, स्टॉप वॉच, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, स्लीप मॉनिटर हो गया। तो काफी अच्छा यहाँ फीचर दिया गया है इस बजट स्मार्ट वॉच में। अब गाइस आते हैं इसके हेल्थ ट्रैकिंग एंड स्पोर्ट्स मोड के ऊपर। तो गाइस यहाँ मेरे आप दिल का धड़कन देख सकते हो, लगभग सेम ही है, तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं और काफी अच्छा लग रहा है। चलिए तो गाइस इसका एसपीयू 2 का रिजल्ट आप देख सकते हो, 9500 आ रहा है, तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर रेड लाइट सेंसर भी दिया गया डेडिकेटेड, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। चलिए स्पोर्ट्स में आते हैं, वॉक, रन, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, इसी के साथ यहाँ पे आपको और भी देखने को मिलते हैं, स्विमिंग। चलो स्विमिंग पे क्लिक करते हैं। इसमें IP68 दिया गया है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे वर्कआउट स्टार्ट हो गया है, नॉर्मल से आपको वर्कआउट के यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिलेगा, कैलरीज, BPM वगैरह क्या है आपका। ओके, तो इस तरह से आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। स्टॉप कर देते हैं। तो फाइनली गाइस अब बात करते हैं बैटरी लाइफ का। तो ये जो स्मार्ट वॉच है, अगर आप इसे ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज करते हो तो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल यूज करते हो, लाइक टाइम देख लिए, थोड़ा बहुत हार्ट रेट वगैरह चेक करते हैं, कभी कभी ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे up to 8 to 10 days का देखने को मिल जाएगा। तो अपने आप में काफी अच्छा बैटरी लाइफ होने वाला है। इसे चार्ज करने में आपको 1 घंटे लगेंगे, देन ये फुल चार्ज हो जाएगा, देन आराम से यूज करो। ओके, अब गाइस फाइनली बात करते हैं ये जो स्मार्ट वॉच आपको लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले प्राइस को समझते 1799 यानी 1800 इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। तो इस प्राइस ब्रैकेट पे काफी अच्छा स्मार्ट वॉच है, इसे आप ग्रैब कर सकते हो। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट वीडियो को लाइक करना है। और इस स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके, अब मिलते हैं फिर से इंडस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।